हम सारे जिला कार्यकर्ता के लिए दिन रात खड़ा रहेंगे कि आपको विश्वास दिलाता है। पंकज जी ऐसा कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता जो अध्यक्ष बनाया गया, मैं बहुत बहुत पार्टी को धन्यवाद देता हूं और मुझे विश्वास है कि इनके नगर अध्यक्ष बनने से समूचे जिला के साथियों में खुशी है। नगर अध्यक्ष पंकज सिंह जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद, 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 ललन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बनाते जाइए आप अभी हम हैं बेगूसराय शहर के पावर हाउस चौक के पास और यहाँ पर देखिए जदयू के नेता पंकज सिंह जिन्हें बेगूसराय नगर जदयू अध्यक्ष का कमान दिया गया है उनका स्वागत किया जा रहा है। जदयू के कार्यकर्ता यहाँ पर है, नेता है, इनका स्वागत कर रहे हैं। हम सीधी बातचीत कर लेते हैं पंकज जी से कि क्या रहेगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे किस तरह से संगठन को विस्तार करने के लिए काम करेंगे। पार्टी के नेता शर्मा नेता नीतीश कुमार जी ने जो और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और राष्ट्रीय जो हमारा कार्यकारी अध्यक्ष है उनके द्वारा जो जवाबदेही दी गई है उसको हम अक्षर से पालन करने का प्रयास करेंगे। पहले और अभी में क्या अंतर होगा, जो क्या लगता है क्या करेंगे, जो अध्यक्ष पहले हुआ करते थे उन्होंने क्या नहीं किया जो आप करेंगे? जो अध्यक्ष पिछले दिन रहे हैं और जो काम किए हैं वो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है, बात स्पष्ट है। दूसरी बात है जो आपने कहा कि आपसे आप क्या अलग करेंगे, तो हम करेंगे क्या वो आगे देखने की चीज़ है। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो हमारा महानगर 45 वार्ड का महानगर है और पार्टी आज 45 वार्ड तक अभी तक नहीं पहुंच पाई अभी तक, जबकि हमारे पार्टी के नगर के कप्तान आप लोग जानते हैं जो लोग भी हुए हैं हमसे कहीं बहुत हट्टा कट्टा मोटे ताजे लोग हुए हैं। लेकिन हम एक कार्यकर्ता जिन्हें पार्टी ने जवाबदेही दी है प्रयास करेंगे कि पार्टी हमारे दल के जो नेता हैं जो उनकी जो सूझबूझ है जो दल के अनुयायी हैं उनके पास जाने का प्रयास करेगा। 45 वार्ड है नगर निगम में और सब जगह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सब जगह संगठन विस्तार करेंगे, सब जगह संगठन विस्तार करेंगे और साथ ही जब भी खोजेंगे या ना खोजेंगे प्रयास जरूर करेंगे हम खोजने का और उनके सुख दुख में भाग लेने का भी प्रयास करेंगे। अच्छा, जिले के कार्यकर्ताओं को जरूरत पड़ेगी आपकी, तब कैसे क्या करेंगे? हम जिला के कार्यकर्ता की बात कौन कहे, हम खगड़िया अलौली की बात कर रहे हैं, वहाँ के भी अगर कार्यकर्ता आएंगे तो क्या खगड़िया क्या अलौली क्या साठा क्या हीराटोल क्या शाम हो क्या मकर्री क्या खदमपुर, हम सारे जिला कार्यकर्ता के लिए दिन रात खड़ा रहेंगे कि आपको विश्वास दिलाता है। तो चलिए पूरे जिले के कार्यकर्ताओं के लिए दिन रात खड़े रहेंगे ऐसा कह रहे हैं, इनका दावा है। थोड़ा सा आइए राम विनय जी हैं, इनसे क्या लग रहा है? अपने प्रदेश के नेताओं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष तमाम नेताओं को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जमीनी कार्यकर्ता को बनाया। जब 1999 में श्याम सुंदर सिंह धीरज एमपी का चुनाव लड़े बेगूसराय में तो उस समय पंकज सिंह पार्टी में आए समता पार्टी, और उस समय जब आए तो बन कर रह गए 99 से लेकर 24 तक, अभी तक मामा देहना इन्होंने नहीं देखा, बहुत सारे झंझावात आए लेकिन सब कोई दरकिनार करते हुए पार्टी के आवाज़ को नीतीश कुमार के कामों को हमेशा समाज के बीच में रखते रहे। इसलिए इनके नगर अध्यक्ष बनने से समूचे जिला के साथियों में खुशी है। कुछ कहिएगा? नहीं घन साहब आप बता, हमारे तरफ से श्री पंकज जी को अध्यक्ष बनने पर हार्दिक शुभकामना और मैं पार्टी स्टेट के माननीय अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू नीतीश कुमार जी और ललन जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि पंकज जी ऐसा कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता जो अध्यक्ष बनाया गया, मैं बहुत बहुत पार्टी को धन्यवाद देता हूं और मुझे विश्वास है कि संगठन जरूर मजबूत होगा। आइए घनश्याम महतो जी इधर आ जाइए, आप तो पुराने नेता हैं, क्या लग रहा है पंकज जी के आने से क्या मजबूती मिलेगी? काफ़ी मजबूती मिलेगी, तो लोकसभा चुनाव के बाद जो पार्टी का संगठन जो थोड़ा हो गया था सुस्त पड़ गया था, अब तेजी आए। कैसा रहा है इनके आने से? इनके आने से
ना सर, जो कमी 2024 के लोकसभा चुनाव में रहा था ना, वो 2025 में देखने को मिलेगा कि पंकज सिंह जब आ गए हैं प्रचंड बहुमत से 2025 का बेगूसराय विधानसभा में हम लोग और सातों विधानसभा सीट में जीत लेंगे। सत्येंद्र शर्मा पप्पू जी, आप बोलिए। आपके माध्यम से सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा जी का हम बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं कि उन्होंने चुनकर एक जमीनी कार्यकर्ता को नगर की जिम्मेवारी सौंपे हैं। ये माननीय हमारे जो नए अध्यक्ष बने हैं नगर के, ये नगर की आप पूरे जिले को खान देंगे। इन्हीं के बनावट से सारे मंत्री बने हैं अब तक जो भी आए हैं। तो ये कहा है, ये पार्टी में क्या रौनक आएगी अब तो देखने को लगेगा। ये सोच माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलती हुई सोच मेरी है, ये होनी चाहिए, बहुत पहले होनी चाहिए। अभी भी बहुत कहीं अचूक हो गया मेरे संगठन में, अभी भी उसको सुधारने की जरूरत है। क्या अचूक हो गया? बहुत जगह है, पार्टी को बदनाम कर दिया महाराज। कुछ लोग ऐसे ले भी, अरे हम से भी ले सकते हैं, सेवा लेते हैं, अब रजिस्टर से भी लेते हैं, सेवा लेते हैं, सेवा लेके उसको हम सम्मान देते हैं। गेट बनाने की बात होती है, हम उनसे सेवा लेके सम्मान के साथ सेवा लेते हैं और गेट बनवाते हैं प्रोग्राम में, लेकिन ले भी नहीं लेते हैं। कहीं कोई कोई ले भी लेके बदनाम कर दिया मेरे संगठन को, मेरे जदयू को, ये गलत बात है। ये बदनाम कर दिया करने वाले जो किए हैं पता नहीं है, सब जगह पता है, नीचे से लेकर ऊपर तक सबको पता है कौन कैसा, लेकिन ये सुधारने की बात है। आपने सुधरेगा तो कब सुधरेगा? जदयू के नेता पंकज सिंह को बेगूसराय नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है।